ये रहा टिकट काउंटर रोपवे का। यहाँ पे आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली भाई, क्योंकि प्रसाद की बहुत सारी शॉप्स हैं। ये पीछे देख रहे हो, दुकानें ही दुकानें हैं भाई। तो भाई ये रहा मुख्य द्वार सीढ़ियों तक जाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रवि, और मैं अभी हूँ इस वक्त माँ मैहर के दरबार में, माँ शारदा देवी के दरबार में, मैहर में। तो भाई अभी मैं आपको दर्शन कराऊँगा और दिखाऊँगा कैसा मंदिर बना हुआ है, कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है, सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो यार अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। तो यार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, जय माँ शारदा जरूर लिखिए। यार थोड़ी आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है, तो प्लीज़ यार तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई अभी हम वो देख रहे हो, सामने है त्रिकूट पर्वत, और वहाँ पे माता रानी का मंदिर है, वहाँ विराजमान है माता। और अभी हम आ चुके हैं जहाँ से हमें चढ़ना है सीढ़ियों पे। यहाँ पे आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली भाई, क्योंकि प्रसाद की बहुत सारी शॉप्स हैं। ये पीछे देख रहे हो, दुकानें ही दुकानें हैं भाई। आप लोग अगर आते हैं तो यहाँ से आराम से प्रसाद ले लीजिए, जितने का मन चाहे उतने का ले लीजिए, एक रुपए से लेके एक चमसार था, जितने भी कस्टमर गाड़ी पार्किंग वगैरह, और पार्किंग वगैरह है बाहर, मैंने बताया था वहाँ पे पर्ची कटती है 60 रुपए की, तब आप यहाँ तक आ पाएंगे। अभी दिखाएंगे रोप वे से भी आप जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम दिखाते हैं कि रोप वे का टिकट कितना है और कैसे आप रोप वे से जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। ये रहा टिकट काउंटर रोप वे का, 150 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया है यहाँ से। वो सामने से जाएंगे वहाँ पे। अभी मैंने आपको रोप वे मार्ग दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं जाना वहाँ से रोप वे से, और मैं पैदल जाना पसंद करूँगा सीढ़ियाँ चढ़कर। तो यार रोप वे का 150 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज है, 150 रुपये देने पड़ेंगे आपको रोप वे से जाने आने के लिए, दोनों साइड का ही होता है भाई। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, सीढ़ियों से हमें जाना है भाई। यहाँ भी आपको प्रसाद की शॉप्स देखने को मिल जाएंगी यार, तो आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। भाई ये रहा मुख्य द्वार सीढ़ियों तक जाने का रास्ता। तो यार देख लो अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। ये देख लो अब आगे से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी भाई। वो देख रहे हो सामने रोप वे चल रहा है, वो आपको दिख रही होगी। टोटल 1100 के लगभग सीढ़ी हैं, वो चढ़नी पड़ेगी। और चलो चलते बोलो माँ शारदा की जय। ये रहा मुख्य द्वार। यहीं से हम एंट्री करेंगे। तो भाई चढ़ाई हो चुकी है चालू, और अभी हम त्रिकूट पर्वत पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि माता रानी का जो है दरबार है त्रिकूट पर्वत पे ही है भाई। ये देख लो, और 1100 के लगभग सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और अगर आप नहीं चढ़ पाते हैं तो आपको रोप वे का सहारा लेना पड़ेगा। अभी मैं और जय भाई, मैं और यश भाई चढ़ रहे हैं। ये देखो यश भाई, देखो बंदर भी इधर बैठा आराम से। तो यार सीढ़ी कंटिन्यू चढ़नी पड़ती है, तब अपन पहुंचते हैं माता रानी के दरबार पे। ये मंदिर मिलेगा आपको संकट मोचन हनुमान जी का।
ये रहा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, सीढ़ियों से जैसे ही चढ़ेंगे आप पास में दिख जाएगा। तो अभी फिर चलते हैं ऊपर। तो भाई यहाँ पे सहारे भी लगे हुए हैं, आप आराम से रेलिंग पकड़ के चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भाई ये देख रहे हो यहाँ पे जब थक जाते हैं तो बैठने के लिए साधन बनाया गया कि आप रेस्ट करके फिर से चल सकें, ऐसे ही साधन बनाया गया बीच बीच में। हम इतना ऊपर आ गए, यहाँ पे पानी का स्रोत भी लगा है, नल लगा है, थक जाओ तो पानी पी लो तो फिर से चढ़ाई चालू। तो चलो चलते हैं फिर से। भाई अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो यार अभी ये पूरी दिख रही है खाली आपको, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है कि लोग बाग ज़्यादा अयोध्या जा रहे हैं श्री राम मंदिर देखने के लिए, इस चक्कर में यहाँ लोग बाग कम आ रहे हैं, तो इसलिए खाली है ये, नहीं तो बहुत टाइम लगता ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी देख लो अनुमानित दूरी आधा रास्ता तय कर चुके हैं हम लोग। विश्राम घर बनाया गया है, बैठ के आराम से विश्राम कर लो, थक जाओ चलते चलते तो यहाँ बैठ के रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर से चलने लगो ऊपर। देख लो अभी 480 सीढ़ी हम लोग चढ़े आए हैं, 480 सीढ़ी चढ़ चुके हैं हम लोग, और ये देख रहे हो एक रास्ता इधर से गया, एक इधर से गया और सीधा वहाँ जाके मिला है, बीच में ये रोड है। अब ये रोड ये शायद VIP लोगों के लिए बना होगा, देख रहे हो। तो चलो चलते हैं। तो यार यस भाई थकावट हो रही, थकावट होगी, लेकिन आप रुक रुक के जा सकते हैं, यहाँ पे बैठने का भी साधन है और पानी आने का भी साधन है, तो आप लोग आराम से बैठ बैठ के आराम से आ सकते हैं दर्शन करने। इस वक्त खाली मिलेगा क्योंकि लोग बाग अयोध्या जा रहे हैं मंदिर देखने के लिए, तो आप लोग आ जाओ भाई दर्शन कर लो आप। तो गाइस 574 सीढ़ी चढ़ चुके हैं हम लोग, ये देखो बच्चे भी चढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो भाई थकावट होती है तो ऐसे ही बैठ बैठ के आप लोग आराम से चढ़ते रहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है, तो आप लोग पानी आराम से पीते पीते चढ़ते रहिए। और अभी इतनी सीढ़ी और चढ़ना है, 500 सीढ़ी और चढ़ना है। चलो चलते हैं फिर। जय माता की, जोर से बोलो। 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 जय माता की। यहाँ देखो वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा है यहाँ पे यार, तो सब सुविधाएं मिलेंगी। तो भाई चढ़ते हैं अभी, 625-26 सीढ़ी चढ़ चुके हैं हम लोग। अभी सामने देख रहे हो एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, माता श्री अर्धकुंवारी का मंदिर है, पहले मैंने दिखाया था संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर था, अभी माँ अर्धकुंवारी का मंदिर है ये। वो बहुत नीचे हैं हम, नीचे का हिस्सा दिख रहा होगा आपको, हम कितने ऊपर हैं भाई, बहुत चढ़ चुके हैं। अभी हम ले लेते हैं माँ अर्धकुंवारी का आशीर्वाद।
फिर चलते हैं ऊपर। का स्थान बना हुआ है कुमारी माता का, ठीक है। और यहाँ से कितनी सीढ़ी और है बाबा जी? 152 सीढ़ी सदा जोड़ी आबाद रखे। अभी और हमें चढ़ना है ऊपर, तो अभी महाअर्ध कुमारी के दर्शन किए फिर चल लिए हैं ऊपर। भैया वाला रास्ता बंद है अभी, तो हमें इस रास्ते से जाना पड़ेगा, फिर बाई रोड जाएंगे हम लोग। मतलब रोड बना हुआ है वैसे ही वैसे जाना है। तो यार हाइट बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है मंदिर, और ज़्यादा नहीं बना, ज़्यादा नहीं बचा है। वो देखो ट्रॉली आ रही है, वो देखो ट्रॉली आ रही है यहाँ से, दिखाऊंगा मैं आपको ट्रॉली, वो देख रही। प्यार जिस प्रकार आपने प्यार दिया था मुझे, मैं रतनगढ़ वाली धाम का वीडियो मैंने बनाया था आप लोग के लिए, आप लोगों को दर्शन कराए थे, जैसा प्यार आपने वहाँ दिया था वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी दीजिए यार। और अभी मैं शारदा देवी के दर्शन आप लोग को कराऊंगा, हो सके तो अंदर भी कराऊंगा, अगर नहीं हो पाए तो आपको मैं बाहर से ही दिखा दूंगा, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और कमेंट में जय माँ शारदा ज़रूर लिखिए। यार पीने का पानी का साधन जगह जगह दिया गया है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, थकावट बिल्कुल नहीं होगी आप लोगों को। तो यार जब पता है जब यहाँ पे नवरात्रि होती है तो ये पूरा का पूरा खचाखच भरा मिलता है भाई। अभी तो खाली है बिल्कुल, कोई है ही नहीं। तो ये देख लो, कुछ कुछ आपको लोग लग रहा होगा ये बाहर का हिस्सा देख के वैष्णो देवी का, तो यार ये वैष्णो देवी का स्वरूप है माँ शारदा। ये देख लो पानी की सुविधा जगह जगह आप लोग को मिल जाएगी। तो यार पानी पीते जाओ, चलते जाओ और जय माता दी बोलते जाओ। भाई ये देखो एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है, यही माँ शारदा देवी के नाम से ही चलाई जाती हैं एम्बुलेंस। जैसे किसी को दिक्कत हो तो आराम से उसको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया जा सके। तो ये देख लो यार व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार, ऊपर से दिखाऊंगा तो और भी अच्छा लगेगा। अभी देखो भाई व्यू है, वो सामने एक और पर्वत दिख रहा है, त्रिकूट पर्वत श्रृंखला है ये। पूरी थकावट हो गई यार। यस भाई कुछ कहना चाहोगे? अब मज़ा आ रहा है। हाँ, अब मज़ा आ रहा है। हाँ तो अभी फिर से ऊपर चढ़ना है भाई। भाई अब पैरों को आराम मिल गया, अब थोड़ा दर्द हो रहा है पैर, आराम नहीं मिलता रहे, फ्लो में चलते रहे तो अब लोग पूरा चलते रहेंगे, लेकिन अब मंदिर भी पास में आ गए। देख लो 900 सीढ़ी पार हो चुके हैं हम लोग और मंदिर अब नजदीक ही। भाई अभी हम बिल्कुल नजदीक आ गए यार, लगभग 991 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, और जितना पास में पहुंचते हैं उतना ही थकावट होती है। तो यार पानी की बोतल अपने साथ में ज़रूर ज़रूर रखें। ये देख लो अब ये 1000 सीढ़ी के ऊपर हो जाएंगी सीढ़ी। फाइनली हम दरबार की तरफ फिर से निकल चुके हैं और अब तो आ ही गए मंदिर पे। भाई थकावट हो रही क्या? सब लोग टोटल यार 1051 सीढ़ी है भाई, और ऊपर और होंगी देखते हैं।
टोटल 1057 सीढ़ी। अब आ गए हम मंदिर के ऊपर, तो माई के दरबार में चलते हैं, आपको कराते हैं दर्शन। भोलेनाथ का त्रिशूल, भाई वो रहा माता रानी का दरबार। यार वहाँ पे फोटो खींचना वगैरह मना है, अंदर नहीं खींच सकते, लेकिन मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको दर्शन कराऊंगा। की जय, की जय, जय माता की, 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 सच्चे दरबार की जय, बोलो माँ के दुलार की जय, बोलो माँ के सम्मान की जय, बोलो सबकी बिगड़ी बनाने वाली की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई फाइनली माँ शारदा के दरबार में पहुंच गए, ये देख लीजिए माँ का दरबार। यार अंदर तो हम दिखा नहीं पाए आप लोग को, लेकिन बाहर से आपको दर्शन करा देते हैं माता रानी के। भाई ये देख रहे हो, ये सामने है माता रानी का मंदिर, माँ शारदा का देवी का मंदिर है ये। और ये आसपास जो है पूरा कंपाउंड है मंदिर का, यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये देख लो, देख रहे हो ये पूरे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये दान पुण्य करना चाहते हैं तो वो है, और इस तरफ से पैदल मार्ग है पैदल जाने के लिए, और शायद इस तरफ से जाने का है, जो ट्रॉली से आते हैं वो लोग जाएंगे, और भी हम देख के बताते हैं कहाँ से जाते हैं। तो यार देख लो भीड़ किस कदर है यार। अभी हम लोग आए थे पैदल मार्ग से आए थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अभी हम दिखाते हैं आप लोग को बाहर का व्यू, बाहर का व्यू कैसा है। भाई देख लो ये भाई यहाँ से व्यू कितना मजेदार, कितना खतरनाक दिखता है यार, ये देख रहे हो, वाह। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भाई नीचे जाने का जो है एक तरफ का है, ये वेस्ट का 100 रुपये है, एडल्ट का, बच्चों का 85 है, केवल नीचे जाने का है भाई। चलो चलते हैं यार, देखते हैं इस तरफ से आप रोप वे के लिए है जाने का। यहाँ भी लाइन लगी हुई है भाई, यहीं पे टिकट आपको लेना पड़ेगा। इस तरफ आपको व्यू दिखा देता हूँ भाई, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। अभी यस भाई ने बोला कि यार फालतू में 200 रुपये क्यों बर्बाद करना, बजट में हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के, यार फालतू में क्यों वो खर्च करना वो मतलब में, इसलिए मैंने दिखा दिया आप लोगों को, यहाँ से टिकट लेके यहीं से सवारी कर सकते हैं। ये माता फूलवती माता का मंदिर है छोटा सा। अब यस भाई ने कह दिया पैदल चलना, तो पैदल ही चलेंगे भाई। यार अंदर से दर्शन नहीं करा पाए, लेकिन यहीं से आपको करा देते हैं, ये देख लो। ये माता रानी विराजमान है, मैहर की शारदा, देख लो भाई। यार बहुत ऊंचाई पे है मंदिर, लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पे है, और ये देखो यार अपन गलत दिशा से आ रहे हैं क्या?
यस भाई के पैरों में छाले पड़ गए, अब चल नहीं पा रहा बेचारा। अब मेरे को गोदी दो, यहाँ से डरका देता हूँ, सीधा ढड़कता हुआ चला जाएगा। देखो भाई वो सामने दिख रहा है, वो है अखाड़ा, आला उधल का अखाड़ा भाई। वो देखो अब साफ साफ दिख रहे हो गए आपको ट्रॉली आती हुई, तो नीचे से यार ट्रॉली आती है, इसका 150 रुपये चार्ज है भाई। ये देखो भाई, ये है माँ शारदा अन्नकूट ट्रस्ट शारदा धाम मैयर। यहाँ पे यार भोजन की व्यवस्था है, भंडारा समय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलता है भाई। प्रसाद का टोकन कुछ ऐसा है, 15 रुपये का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जमा हो जाती है यार, प्रति व्यक्ति 15 रुपये मात्र है, ये जमा हो जाता है, इससे ही भंडारा खाने को मिलता है सब लोगों को। तो यार एक तरह से निःशुल्क ही हो गया ये। देखिए ये सब खा रहे हैं यहाँ पे खाना, ये लंगर चल रहा है पूरा यार। तो यार आई होप आपने माता के दर्शन अच्छे से कर लिए होंगे। यार अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माँ शारदा ज़रूर लिखिए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।